गोल्फ चैंपियन ने ट्रॉफी बेचकर दान किए लाखों रुपए। देश के लिए गोल्फर ने नीलाम की 102 ट्रॉफियां। पोते अर्जुन भाटी को देख दादी की आंखों में भराए आंसू। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऐसे जताया अर्जुन का आभार। आज मैंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए किया, जो मैंने पिछले 8 साल में 102 ट्रॉफी जीती थी देश विदेश में। आज मैंने कुछ लोगों को देकर उससे कुछ पैसे इकट्ठे कर 4,30,000 रुपीस पीएमओ केयर रिलीफ फंड्स में ट्रांसफर किए हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भारत में तेजी के साथ बढ़ रही है, जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने लोगों से घर पर ही रहने का आग्रह किया है, साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में लोगों से डोनेशन देने की अपील की। देश की कई बड़ी हस्तियों ने अपना योगदान दिया, लोग पीएम केयर्स फंड में लाखों करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं। कई स्पोर्ट्स स्टार्स ने भी पैसे डोनेट किए हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा के एक 15 वर्षीय गोल्फर ने भी अपनी ट्रॉफियां बेचकर पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 15 वर्षीय गोल्फर अर्जुन भाटी ने कहा कि उन्होंने 8 वर्षों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीती गई 102 ट्रॉफियों की नीलामी की है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में 4,30,000 रुपए दान किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी, साथ ही फंड में सहयोग की रसीद भी साझा की। अर्जुन ने अपने ट्वीट में लिखा, 8 साल में देश विदेश में जीतकर कमाई हुई 102 ट्रॉफी देश संकट के समय मैंने 102 लोगों को दे दी। उनसे आए कुल 4,30,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में देश की मदद को दिए। ये सुनकर दादी रोई, फिर बोली, तू सच में अर्जुन है, आज देश के लोग बचने चाहिए, ट्रॉफी तो फिर आ जाएंगी। अर्जुन के इस ट्वीट को पीएम मोदी ने रिट्वीट करते हुए कहा, देशवासियों की यही वो भावना है जो कोरोना महामारी के समय सबसे बड़ा संबल है। अर्जुन ने पीएम मोदी के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद सर, ये मैंने आपसे ही सीखा है। हालांकि अर्जुन ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में आपसे जितना हो सके देश की मदद के लिए आगे आएं और जितना हो सके घर से बाहर निकलने से बचें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति से गुजर रहा है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे देश में क्रिएट हो गई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए प्लीज कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए, किसी भी लेवल पे, छोटा या बड़ा। आज मैंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए किया, जो मैंने पिछले 8 साल में 102 ट्रॉफी जीती थी देश विदेश में। आज मैंने कुछ लोगों को देकर उससे कुछ पैसे इकट्ठे कर 4,30,000 रुपीज पीएमओ केयर रिलीफ फंड में ट्रांसफर किए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज कुछ ना कुछ अपने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। और ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसको लॉकडाउन में बहुत जरूरी है, आप प्लीज अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन में लीजिए, और ये जो टाइम है 21 दिनों का, इसमें सेल्फ मतलब इसको यूटिलाइज कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए, देश और दुनिया के लिए। यही मेरी अपील और मैसेज है आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले गोल्फर की दादी ने भी अपनी 1 साल की पेंशन दान करने का फैसला किया। अर्जुन भाटी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनकी दादी ने अपनी 1 साल की पेंशन दान करने का फैसला किया। दरअसल करीब 150 गोल्फ टूर्नामेंट में खेल चुके 15 साल के अर्जुन ने पिछले साल कैलिफोर्निया में जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीती थी। इससे पहले वो साल 2016 में अंडर 12 और 2018 में अंडर 14 किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।